नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सैनी ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज फिर से हम आपको एक नई और अनोखी जगह लेकर आए हैं जहां पर जानकारियों का भंडार है। और ये अनोखी जगह है कुरुक्षेत्र में, इसका नाम है कुरुक्षेत्र पनोरमा एंड साइंस सेंटर। तो यहां पर विज्ञान से संबंधित बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। और साथियों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है और ख़ासकर जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर आता है अपने बच्चों को साथ लेकर। तो आप देख सकते हैं साथियों, एक से एक अद्भुत चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। मैंने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एंट्री फीस 50 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और ये गजब की जगह है, बहुत ही अनोखी जगह है। यहाँ पर आश्चर्य कोई कमी नहीं है, अद्भुत जगह है। देखिए, यहाँ पर जंतर मंतर है। जंतर मंतर प्राचीन समय में कैसे कार्य करता था, समय कैसे बताता था, ये सब यहाँ पर बनाया हुआ है साथियों। इसके विषय में पूरी जानकारी भी दी गई है, जंतर मंतर के विषय में कि ये कब और किसने बनवाया। साथियों, इसमें जंतर मंतर जो कार्य करता था या करता है कहिए, वो सूरज की रोशनी से उससे समय का पता लगाया जाता है। इस पनोरमा सेंटर के अंदर ही एक म्यूजियम भी है जिसमें महाभारत के दृश्य चित्रित किए गए हैं। ये महाभारत युद्ध से संबंधित दृश्य यहाँ पर फिल्माए गए हैं या कहिए दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी महाभारत के जो ये कहिए बहुत ही खास लम्हे थे उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भीष्म परम अध्याय 9 तृतीय दिवस इसमें दर्शाया गया है। अध्याय 10 चतुर्थ दिवस, अध्याय 10 में क्या घटना घटी, किस तरह की घटनाएं घटी। अध्याय 18 पर भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, ये देखिए, ये अध्याय 18 का है, ये सब भीष्म पर्व से लिया गया है। बड़ी ही अनोखी जगह है और म्यूजियम को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। गीता के श्लोक यहाँ पर आप सुन रहे हैं, लगातार यहाँ पर गीता के श्लोक सुनाई देते हैं। इस धर्म नगरी में आकर मन बड़ा जो है प्रसन्न हुआ। प्रत्येक दृश्य का फिल्मांकन यहाँ पर किया गया है, दिखाया गया है यहाँ पर बहुत कुछ वध जो कर्ण के वैजयंती अस्त्र द्वारा मारा गया था घटोत्कच। कर्ण को मजबूर किया गया था उस अस्त्र को घटोत्कच पर चलाने के लिए। उसके बाद ये देखिए कैसे गिद्ध मंडरा रहे हैं। अध्याय 17 पर दिखाया गया है जिसमें दुर्योधन के साथ युद्ध होता है तालाब के किनारे। एक साइड में पांडव खड़े हैं, बलराम है, और भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा है। उसके बाद हम फिर से जो है साइंस सेंटर में जिसका जो इसका निचला हिस्सा है वहाँ पर आए और हमने यहाँ पर
अलग अलग चीज़ें देखी, पृथ्वी और चांद भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक गोले को, लोहे के गोले को इसमें छोड़ा जाएगा। ये देखिए कि ऐसे घूमता घूमता ये नीचे जाएगा। तो साथियों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।